की सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी अब पंजाब में सियासत चमकाने का ख्वाब देख रही है। यही वजह है कि आत्मविश्वास से लबरेज आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में कुल 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। आप नेता संजय सिंह के साथ सांसद भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। लिस्ट में जिन 19 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, आपने जहां लुधियाना वेस्ट से अहबाब सिंह गरेवार को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं सुल्तानपुर लोधी से सज्जन सिंह चीमा अपनी किस्मत आजमाएंगे। इंदरवीर सिंह निजर अमृतसर साउथ से दूसरे उम्मीदवारों को टक्कर देंगे। इसी तरह मोहन सिंह जी फलियावाला फिरोजपुर ग्रामीण से, समरवीर सिंह सिद्धू फाजिलका, राजप्रीत सिंह रंधावा अजनाला, जगदीप सिंह बरार श्री मुक्तसर साहिब, गुरदीप सिंह सैखो फरीदकोट, ब्रिगेडियर राजकुमार बालाचोर, हिम्मत सिंह शेरगिल मोहाली, गुरप्रीत सिंह लपरान पायल, रुपरिंदर कौर भटिंडा, जसविंदर सिंह सैखो धूरी, अमरजीत सिंह रोपड़, संतोख सिंह सालाना बस्सी पठाना, एचएस फुलका दाखा, कुलतार सिंह संधवा कोटकापुरा, हरजोत सिंह बैंस सहनेवाल और गुरविंदर सिंह शामापुरा फतेहगढ़ चूड़िया से चुनावी अखाड़े में होंगे। सन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में आपके खाते में पंजाब से 4 सीटें गई थी, इसलिए 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब राज्य से आपको बहुत उम्मीदें हैं। मौजूदा वक्त में पंजाब में अकाली बीजेपी गठबंधन पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज है। ऐसे में किस तरह से आप पंजाब में मौजूदा सरकार में सियान लगाने की कोशिश करती है, देखना दिलचस्प होगा। ए टू जेड के लिए नेहा दुबे की रिपोर्ट।